रियासत मध्य प्रदेश के धार में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में हंगामा पेश आने के बाद पुलिसिया कार्रवाई से अकलती तबका सख्त नाराज है। पुलिसिया कार्रवाई से अकलती तबके की खातून बड़ी अक्सरियत में पुलिस अफसरान से मिलने पहुंची और सख्त रद्द अमल का इजहार किया। क्योंकि कल जिस तरीके का लाठी चार्ज मुस्लिम लड़कों पर किया गया, हमारे भाइयों पर जो हमारे बड़े थे उन सब पर किया गया है, उसमें छोटे बच्चे भी घायल हुए हैं, किसी को लगी है, दाढ़ी पकड़कर खींचा गया है, तमाम मुसलमानों के साथ मतलब हमारी सुन्नत पर हाथ डाला गया है सर, तो ये तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हरकत है। और दूसरी चीज़ ये है कि बेजा नाजायज बच्चों को बसें भर भर कर उठाया जा रहा है घरों से और उनको धमकियां भी दी जा रही हैं सर, तो लिहाजा इन सब के लिए हम सब तमाम माँ बहनें यहाँ जमा हुई हैं कि उनके बच्चे जो जिनकी कोई गलती ही नहीं है उनको क्यों हम जेल में डाल रहे हैं। और प्रशासन हमारी बात बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, प्रशासन कोई बात अपने ऊपर लेने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, वो सब कुछ हम ही पर ढोल रहे हैं, जबकि मुद्दा यह है कि जो रूट शॉर्ट किया गया था इससे मुस्लिम समाज को आपत्ति थी और इसी के तहत प्रशासन ने अचानक लाठीचार्ज किया, उसको भी प्रशासन डिनाई कर रहा है कि हमने कोई लाठीचार्ज नहीं किया, जबकि लाठीचार्ज हुआ है, लोग घायल भी हुए हैं, एक बच्चे का पैर भी फ्रैक्चर हुआ है, ये सर भी फूटा है, जो लोग उसमें भी प्रशासन और दीगर अफसरों का कहना यह है कि कुछ भी नहीं हुआ है और किसी को कुछ नहीं लगी है। तो सर ये सब नाइंसाफियां हैं और विशेष वर्ग के साथ ही ये सारी चीजें होती हैं, जबकि दूसरे वर्गों के साथ ये चीजें नहीं हो रही है। तो हम तो इनसे सिर्फ समानता का व्यवहार की दरकार करने आए हैं कि जब अगर आप व्यवहार करें तो सबके साथ एक जैसा करें, हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, दूसरे भी हिंदुस्तान में रहते हैं सर, सबको बराबरी का अधिकार है सर, राइट टू इक्वालिटी हर मुस्लिम का फंडामेंटल राइट है, हम कोई अलग नहीं है और हम अपने हक की मांग कर रहे हैं, इसलिए आपको हक देना पड़ेगा और हमेशा हमारे साथ बराबरी का व्यवहार करना पड़ेगा, इसके लिए आज हम जमा हुए हैं, कल इससे ज्यादा माँ बहने निकलेंगे। नबी के त्यौहार पर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई थी, उसमें पुलिस के द्वारा मौके पर बड़े सख्ती के साथ में घटनाक्रम को नियंत्रित भी किया था और शहर में पूर्णतः शांति और बहुत अच्छे से रहा है, किंतु जिन लोगों के द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित की है उनके खिलाफ करीब 5 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, जिसमें मुख्य प्रकरण जिसमें कि उनके द्वारा बैरिकेड्स के साथ में झूमा झटकी करके तोड़ने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने कहीं ना कहीं बदतमीजी करने की कोशिश की है, उसमें करीब 51 लोगों को चिन्हित किया और अन्य 4 प्रकरणों में भी करीब 30-35 लोगों को आरोपी बनाया हुआ है, कुल 96 के करीब आरोपी हैं। महिलाएं कुछ आई हैं, उनका अपना आरोप प्रत्यारोप है कि उनके साथ में या उनके जो लोग हैं उनका उसमें कहीं ना कहीं रोल नहीं है और वो अपने अपने तर्कों के साथ में उपस्थित हुई, किंतु पुलिस के द्वारा जिन भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है कहीं ना कहीं CCTV फुटेजेस के अंदर बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ETV भारत के लिए सैयद निज़ाम अली।